सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज, बोले पहले इन्होंने श्रीराम को ताले में बंद किया, अब बजरंग बली की बारी है। बच्चों के बीच पहुंचे पीएम मोदी, तो किसी ने कहा डॉक्टर बनेंगे, तो किसी ने पुलिस, तो प्रधानमंत्री ने पूछा पीएम बनने का मन नहीं करता क्या। तमिलनाडु में भाजपा को बढ़ता देख डीएमके सरकार का दाव, मंदिरों की 4200 करोड़ की भूमि से कब्जा हटवाए, श्रद्धालुओं को नाश्ता दे रहे हैं। फारूक बोले G20 कश्मीर लद्दाख में जम्मू में क्यों नहीं, भाजपा ने कहा घाटी के लोग आगे बढ़े, उनके विकास में बाधा न बने। तीसरी जीत की दूसरी वर्षगांठ पर ममता बोली लोकतंत्र में जनता से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, भाजपा ने मनाया काला दिवस। सीतापुर में चुनाव से पहले भाजपा की सेंधमारी, सपा नेता व उद्योगपति आशीष गुप्ता अपनी पत्नी व अन्य कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हुए। महिला पहलवानों के समर्थन में उतरी मेनका गांधी, सुल्तानपुर में मीडिया से बोली अफसोस की बात है, भगवान करे उन्हें न्याय मिले। लखनऊ व्यापार मंडल का मेयर चुनाव में भाजपा को समर्थन, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आश्वासन के बाद बनी सहमति। मुजफ्फरनगर में गठबंधन नेताओं की चेतावनी, विधायकों ने सरकार की मंशा पर खड़ा किया सवाल, साजिश हुई तो देंगे मुंह तोड़ जवाब। महाठक संजय शेरपुरिया के ठिकानों पर ईडी की रेड, लखनऊ वाराणसी और गाजीपुर में कई अहम दस्तावेज खंगाले गए हैं। बर्किंगम पैलेस के बाहर शख्स गिरफ्तार, कारतूस फेंके थे, संदिग्ध बैग भी मिला था। किंग चार्ल्स तृतीय की ताशपोसी से 4 दिन पहले हुई ये घटना। मरियम नवाज के खिलाफ केस करेंगे इमरान की पत्नी, नवाज की बेटी का आरोप पति के लिए घूस लेती थी बुशरा, करोड़ों रुपए कमाए। जापान में वुमन सिक्योरिटी के लिए नया बिल, स्कर्ट या दूसरे कपड़ों में आपत्तिजनक फोटो लेने पर 3 साल की जेल होगी, जुर्माना लगेगा। भारत को ब्लैकलिस्ट करवाना चाहता है अमेरिकी कमीशन, बीजेपी सरकार पर लगाए मुस्लिमों से भेदभाव के आरोप। एक जून तक डिफॉल्टर हो जाएगा अमेरिका, वित्त मंत्री ने दी चेतावनी, कर्ज की सीमा नहीं बढ़ी तो बिल पर नहीं भर पाएगी सरकार। दिल्ली ने गुजरात को पहली बार हराया, आखिरी ओवर में शांत शर्मा ने बचाए 12 रन, अमन ने जमाया पहला अर्धशतक। धरने पर बैठे रेस्टलर्स ने लौटाई पुलिस सुरक्षा, बजरंग पुनिया ने स्टूडेंट से मांगा साथ, दिल्ली यूनिवर्सिटी निकालेंगे मार्च। आईबीए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे आशीष, ईरान के बॉक्सर मेसम घेकशाली को 4-1 से हराया। टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया बनी नंबर 1, दूसरे स्थान पर फिसली ऑस्ट्रेलियाई टीम, WTC फाइनल से पहले भारत के 3 बड़े खिलाड़ी चोटिल। नेपाल ने पहली बार एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया, UAE को हराकर एंट्री मारी, भारत पाकिस्तान से होगी भिड़ंत। नीतू कपूर के साथ नाटू नाटू गाने पर थिरकी पद्मिनी कोल्हापुरी, प्रेम रोग एक्ट्रेस ने शेयर किया वीडियो। सूरज पंचोली की मां ने तोड़ी चुप्पी, बोली बीते 10 सालों में बेटे ने ढंग से खाना नहीं खाया, किसी मां को ऐसा दुख ना मिले। शैलेश लोढ़ा के लीगल एक्शन पर आसद का पलटवार, बोला उनके इस कदम से आहत हूं, लोगों को पैसे नहीं मिले तो 15 साल से शो कैसे चल रहा है।
कियारा को एयरपोर्ट से पिक करने आए सिद्धार्थ मल्होत्रा कियारा को देखते ही गले लगाए, फैंस बोले सो स्वीट। देखिए रियल स्टोरी पर नहीं लगा सकते रोक, सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा फिल्म को मिल चुका है सर्टिफिकेट, ये हेट स्पीच का मामला नहीं। फिलहाल 5 मिनट की 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।